Good morning, student. Welcome to our new topic of history, that is the map work. Here we will discuss that how the map should be filled during the examination. Let's start the topic. Whole syllabus of your SST is divided into two categories. In your examination, 75 number will come of theories in which you have to give the answer of the questions, and 5 number will come from the map work. Total 80. And this map work will come from two paper. One is from the history and second from the geography. Okay, from history we get 2 marks and from geography 3, means 5 number will be of map work. And in history the major portion from which the map came is nationalism in India. In the present days we have to study 2 chapters, nationalism in India and nationalism in Europe, age of industrialization, you know. So these 2 chapters excluded from the map work, only the nationalism in India is included from the map work. For the map work, the map came in the way that locating and labeling and or the identification. क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपका, लोकेट द फॉलोइंग और लेवल द फॉलोइंग और आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ना स्टेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकेटिंग एंड लेवलिंग, इसको हम देखते हैं. लोकेटिंग में क्या होता है, टू फाइंड द ऑप्शन. हमें दे दिया जाता है एक कोई भी स्टेशन एंड वी हैव टू लोकेट इट ऑन द मैप. एंड लेवलिंग में वी हैव जस्ट कार्टोग्राफी की तरह कुछ डिज़ाइन दे दी जाती हैं, स्टेशन बना दिया जाएगा ए या बी, और पूछ लिया जाएगा कि आपका ए किसके लिए स्टैंड है और बी किसके लिए स्टैंड है, उसको हमें लेबल करना होता है. ओके, सो इन दिस वे मैप केम इन योर एग्जामिनेशन. एक पेपर देखते हैं हम लोग, पेपर में मैप कैसे पूछा जाता है. तो बेटा आई थिंक दैट कि दिस इज विजिबल फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 36 विल केम इन द एग्जामिनेशन एज अ मैप वर्क. ओके, तो देखिए आपका किस तरीके से पूछा गया है, ये ए और ये बी है ना. जो ए पोर्शन है दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री एंड दिस पोर्शन इज फ्रॉम ज्योग्राफी. ठीक, देखिए टू फीचर्स ए एंड बी मैप में दिया होगा आपका मैप ऑफ इंडिया. अगर इसमें अभी हम आगे चल के देखते हैं कि मैप ऑफ इंडिया दिया होगा और उसमें आपको 2 स्टेशन बता रहा है ए एंड बी, कहीं भी ए हो सकता है कहीं भी बी हो सकता है. आर मार्क ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आइडेंटिफाई दिस फीचर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्या है, द प्लेस वेयर द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड वाज हेल्ड, और दूसरा है जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, है ना. इस तरीके से मैप क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 फीचर दे दिए जाएंगे, उस फीचर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इसको ए दे दिया गया या बी दे दिया गया, आपको बताना पड़ेगा कि ए क्या है या बी क्या है ना. और आपको लोकेशन ऐसा दे सकता है कि द एरिया एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च, कुछ भी नहीं देगा है ना. आपको बस दिखाना है इसको, ए और बी जो आप देख रहे हो वहाँ पे, ए हटा दिया जाएगा बी हटा दिया जाएगा, आप केवल ये दे दिया जाएगा कि प्लेस फ्रॉम वेयर द महात्मा गांधी स्टार्टेड द नेशनल आपका दांडी मार्च. तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि वेयर इज योर साबरमती. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गिवन, ये आप देख रहे हो लोकेट एंड लेबल द, ये आपका ज्योग्राफी से आता है. इसमें आप देख रहे होंगे कि ज्योग्राफी से हमारे यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. ओके, तो ये मैप वर्क बहुत इजी होता है और एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन. ये देखिए मैप वर्क आप पर दिया गया है कि आप एग्ज़ाम में कैसे दिखाना पड़ेगा मैप. जब भी मैप आएगा हिस्ट्री के लिए अलग तरीका है, ज्योग्राफी के लिए अलग तरीका है. स्पेशली इन ज्योग्राफी वी यूज़ द इंडेक्स है ना, लेकिन इन हिस्ट्री हमें इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है. वी जस्ट लोकेट द एरिया, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन हो आपके कहाँ कहाँ पे हुए थे, लाहौर आपको एक हुआ था तो फिर लाहौर को यहाँ पे पॉइंट करके ये लिख दिया गया लाहौर ना. आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कलकत्ता का सेशन हुआ था आपका 1920 में, तो आपको बस केवल एरिया दिखाना है, वो जगह कहाँ पर कलकत्ता, और यहाँ पे कलकत्ता लिख देना है. ठीक है, नागपुर और आपका मद्रास.
ओके देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप मैप दिखा मैप में कोई भी चीज़ दिखाते हो, एप्रोप्रिएट स्टेशन को हमें शो करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू कॉन्ट लोकेट द एप्रोप्रिएट आपका लोकेशन, देन द मार्क विल बी डिटेक्टेड। नागपुर इधर इधर है, अगर आप नागपुर को यहाँ पे दिखाकर आप शो करते हो कि दिस इज नागपुर एंड यू राइट द आंसर नागपुर, तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि वी हैव टू नो द एप्रोप्रिएट स्टेशन और द प्लेस विच वी हैव टू लोकेट। और एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिए कि व्हेन यू फिल अप द मैप यू ऑलवेज यूज पेंसिल ना इंस्टीट ऑफ पेन, वी शुड यूज़ पेंसिल। अगर पेंसिल का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो फिर अगर हमें हमारा स्टेशन दिखाने में कुछ गलतियाँ होती है तो वी कैन इजिली रिपीट एंड वी कैन इजिली करेक्ट द ऑप्शन, करेक्ट आवर क्वेश्चन और द आंसर। ओके, तो देखिए बेटा आपका यही दिया गया कि आपका किस तरीके से मैप वर्क करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशन हुए हैं और उसको आपको दिखाना है। कलकत्ता देखिए 1920 में दो सेशन हुए थे, एक हुआ था कलकत्ता में और दूसरा हुआ था आपका नागपुर में। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर अगर आपका कोई भी सेशन आ गया कि 1920 में सेशन को आप दिखा गया तो हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि ऑलवेज इन द क्वेश्चन सेप्टेम्बर एंड दिसंबर विल बी रिटन ना। अगर सितंबर का दिखा रहा है तो आपको कलकत्ता ही दिखाना पड़ेगा, कलकत्ता में ये आपका है कलकत्ता। अब इसके बाद आप जो है पेंसिल उठाओगे और यहाँ पे लाइन मार्क करोगे है ना, और उसके उसके ऊपर आप लिखोगे अभी द हेल्प ऑफ योर पेंसिल कलकत्ता। ठीक है, आप इसके बाहर भी आ सकते हो है ना। नागपुर सेशन आपका यहाँ पे हुआ था, यू कैन पॉइंट आउट नागपुर। ठीक, नागपुर राइट टू राइट द थिंग इन कैपिटल लेटर है ना, कैपिटल लेटर में कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर होती हैं तो आप कैपिटल लेटर में लिखो। मद्रास सेशन हुआ था आपका हियर, इसको आप यहाँ पे लिखिए मद्रास, ये समय आपका चेन्नई के नाम से जाना जाता है। लाहौर इंडिया में नहीं है फिर भी ये आपका स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज लाहौर। ओके, तो ये देखिए चैप्टर हमारा लिमिटेड है नेशनलिज्म इन इंडिया, तो हमें पहले क्वेश्चन जो आते हैं हमारे नेशनल कांग्रेस के सेशन से आते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो हुए थे आपके इंडिया में, लाइक आपका यहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, आपका चंपारण मूवमेंट हुआ था, देन आपका अहमदाबाद में मूवमेंट हुआ था। ऑल दिस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि हाउ द व्हाट वेयर द इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट विच आर अकर्ड इन द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ये चार आप याद रखेंगे ना, ये चार सेशन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके हिस्ट्री की किताब में ये चारों सेशन के बारे में ही मेंशन किया गया है, तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इसको अपने मैप में करिएगा। यू हैव टू परचेज अ मैप एंड राइट द एंड फिल अप द मैप है ना। क्वेश्चन आपका आया है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल, लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग प्लेस वेयर द वायलेंस इरप्ट ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल करने के लिए कहाँ पे मूवमेंट आपका ऑफर किया गया था है ना। यू हैव टू पॉइंट आउट दैट एरिया दैट प्लेस, आपको उस प्लेस को पॉइंट करना है और उसका नाम भी लिखना है। ये मत लिख देना कि आपका ये एरिया वेयर द मूवमेंट वाज अकर्ड, बहुत बच्चे यही करते हैं है ना। तो आपको उस एरिया उस जगह का नाम लिखना है कि कहाँ पे हुआ था, यही पूछा जाता है। प्लेस फ्रॉम वेयर द महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च को महात्मा गांधी ने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो आप ये नहीं कि आप साबरमती दिखा दिए और वहाँ पे आगे लिख दिया आपने कि प्लेस फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च, नो द आंसर विल बी रॉन्ग। आपको यहाँ पे उस प्लेस का नाम लिखना है साबरमती है ना, साबरमती आपको नाम भी लिखना तब आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आपने केवल प्लेस लिख दिया है तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। इसके बाद प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन द ईयर 1929 ने बात किया था, ये आपका नागपुर में हुआ था है ना। तो आपको नागपुर नाम लिखना पड़ेगा, यू टू राइट द नेम नागपुर है ना। ये नहीं कि आपका सेशन, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं सेशन आपका
1929 और दिसंबर सेशन दिसंबर 1929, ऐसे में आपका नंबर कट सकता है या कट जाएगा। तो आपको प्रॉपर नेम देने हैं तभी आपका आंसर सही होगा। ओके डियर स्टूडेंट, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद द मैथ। थैंक यू।